तस्य सेवाया रक्षया स्वास्थ्य स्वच्छताया च उपरि ध्यानं दास्यामि। तो एक अलग अंदाज में समझ में चीज़ें आने लगती हैं, सोच बदल जाती है, विजन बदल जाता है बच्चों का। और शायद यही कारण है कि 10 से 17 साल की आयु के बच्चों को इसमें शामिल किया गया कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग ऐसा करें। तो ये खास बात है बाल विज्ञान कांग्रेस की, जो 1993 में से शुरू हुई है और 26वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस को इस बार उड़ीसा में भुवनेश्वर में एक बार फिर दूसरी बार भुवनेश्वर में, इससे पहले 2005 में हम राष्ट्रीय आयोजन कर चुके हैं और उसके बाद में अब ये हो रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को एक नया नज़रिया पेश करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो हम इसे वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में भी दे सकते हैं, जब कहा जा सकता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सुरेशन शर्मा जी और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए ये सब चीज़ें आ रही हैं अपने तरीके से और अभी मार्च पास्ट में चल रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक खास बात और है कि हर इंसान के हाथ में मोबाइल दिखाई दे रहा है, वो अपने अपने नज़रिए से कैमरे से शूट कर रहा है और लोगों को दिखा रहा है कि बाल विज्ञान कांग्रेस क्या है। बाल विज्ञान कांग्रेस नो डाउट अपने आप में एक बहुत अच्छा इवेंट है अगर उसको उस एंगल से देखा जाए, समझा जाए। क्या आप शिक्षक हैं, छात्र हैं और विज्ञान संचारक हैं और चाहते हैं कि आपके स्कूल, आपके गांव और आपके शहर की खबर चले हमारे चैनल पर, और बनना चाहते हैं आप विज्ञान रिपोर्टर तो संपर्क करें व्हाट्सएप पर 9358414442 या फिर मेल करें pvsuniverse@gmail.com पर। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।